Hey guys, welcome back to my channel and today we are making a video on मैं क्या थी और मैं क्या हो गई। अगर आपने आई मूवी देखी है तो ही आपको ये डायलॉग समझ में आएगा, वरना आप चाहते पो देखो। एनीवे, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने ये पिक को ऐसा बना दिया था, तो आप लोगों ने मेरी बहुत सारी तारीफ करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए थैंक यू सो मच। बट बहुत से लोगों ने बोला कि मैं उनकी बेबीज़ की पिक्चर भी एडिट कर दूँ, जैसे कि ऐसे ही महादेव और या फिर कोई देवी में कन्वर्ट कर दूँ, या फिर आपके और हमारे सबके फेवरेट कान्हा। तो आई वुड लव टू, क्योंकि अब मेरी एडिटिंग में थोड़ी सी इंटरेस्ट कुछ बन रही है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है एडिटिंग करने में, अगर मेरे माइंड में कुछ आइडिया है तो। बट आई सीरियसली डोंट हैव टाइम, आई एम सॉरी, आई कांट मेक एवरीवन हैप्पी, क्योंकि आई एम नॉट अ पिज़्ज़ा। एनीवे, मेरे ऐसे पीछे तो चलते रहेंगे, मैं ऐसे पहले की तरह फ्री रहती हर टाइम, तो मैं सबके बच्चों को ऐसे भगवान बना देती और सबकी नज़रों में ऐसे भगवान बन जाए। बट मुझे सबको ना बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इट्स अबाउट आवर बेबीज, तो मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारे बेबीज अच्छे लगे। तो और फिर मैं सबको नहीं सिखा सकती और एक एक को मैसेज करके भी नहीं सिखाती, तो दैट्स वाई आई एम हियर टू टीच यू गाइज कि कैसे करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ सुपर डुपर ईजी। यस, चलिए शुरू करते हैं। जैसा जैसा मैं बताती हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो बिना शर्माए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ आया और ये या वो कैसे करना है, तो मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सारे डाउट्स दूर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन पिक्सआर्ट ऐप और प्लस से हम अपना फ़ोटो ऐड कर लेंगे। ये है श्री की फ़ोटो, बट हमें बिना कपड़ों वाली फ़ोटो चाहिए, इसलिए मैंने दूसरे फ़ोटो में से सिर्फ टमी का पार्ट लेकर ये फ़ोटो एडिट करके रख दी थी। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एफएक्स एंड देन कलर रिप्लेस। ये जो सर्कल है उसको हम ड्रैग करके बॉडी पार्ट पे लेके आएंगे, क्योंकि हमें बॉडी का कलर चेंज करना है महादेव जी के बॉडी की तरह। ड्रैग करने पर हमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, हम यहाँ ऐसे यहाँ पे हमें जो कलर चाहिए वो चूज़ कर लेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि कान्हा की बॉडी की तरह भी यहाँ कलर आ रहा है। सो हमने कलर चूज़ कर लिया है, पर यहाँ सारा का सारा ब्लू हो गया है, तो हम यहाँ पर्सन पे क्लिक करेंगे जिससे सिर्फ बॉडी पे कलर होगा, थोड़ा बहुत साइड में होगा जो हम ये इरेजर से रिमूव कर देंगे। तो चलिए हम फटाफट रिमूव करते हैं। वंस यू आर डन देन राइट कॉर्नर पे अप्लाई होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, बैकग्राउंड के लिए हम ऐड फोटो में जाएंगे और मैंने जो ऑलरेडी फ़ोटो डाउनलोड करके रखी थी वो हम ऐड कर लेंगे। आपको जैसा भी बैकग्राउंड सेट करना हो वैसा स्टिकर में ढूंढ सकते हैं, या फिर गूगल में से फ़ोटो डाउनलोड करके ऐड फोटोज़ चूज़ करके आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सेट कर रही हूँ बैकग्राउंड जिससे मेरा वो पिलो और जो पीछे का पार्ट है वो छिप जाए, और फिर हम बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करेंगे जिससे वो बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा, और फिर हम इरेजर्स चूज़ करके सारा रिमूव कर लेंगे। आप ओपेसिटी कम कर सकते हैं जिससे आपको समझ आएगा और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। इरेज कर लेने के बाद आप ओपेसिटी 100 कर दीजिए, या फिर आपको कम रखनी है तो आप कम भी कर सकते हैं, आप पे है। सेट हो जाने पर राइट कॉर्नर पर अप्लाई, स्टिकर में जाएंगे और त्रिशूल सर्च करेंगे, और लकीली यहाँ पे स्टिकर है त्रिशूल का। यहाँ पे मैं अननेसेसरी पार्ट इरेज कर रही हूँ क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। त्रिशूल रेडी है, तो इसे सेट कर लीजिए।
और आई सजेस्ट कि हम रेफरेंस के लिए भी एक पिक डाउनलोड कर ले, या फिर जैसा भी हमें पिक एडिट करना है वैसा हम गूगल से डाउनलोड कर ले, जिससे हमें आइडिया मिले कि हमें क्या करना है। एंड वी आर डन। एंड राइट कॉर्नर पे अप्लाई। एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर आप श्योर है तो ही आप अप्लाई करें, वरना फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वापस हम ऐड फ़ोटो पे जाएंगे और फिर जो डाउनलोड करी है इमेज डमरू की, वो हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि स्टिकर में डमरू की इमेज नहीं है। और ये धूम की स्पीड से अननेसेसरी पार्ट डिलीट। सेट करेंगे और फिर अप्लाई। अगेन ऐड फोटो और फिर रुद्राक्ष हम ऐड करेंगे, और वो भी स्टिकर में नहीं है इसलिए मैंने गूगल से डाउनलोड करी है। आपको जैसे भी रुद्राक्ष की माला पसंद हो या एडिट करनी हो वो आप एडिट कर सकते हैं। सेट करेंगे और अननेसेसरी पार्ट डिलीट करेंगे, और फिर नेसेसरी पार्ट वापस से रिस्टोर करेंगे। ओपेसिटी कम कर देंगे जिससे हमें फेस दिखाई देगा, और हमें गले का पार्ट साफ दिखाई देगा जिससे हमें माला कितनी सेट करनी है वो आइडिया आ जाएगा। एक बार सही से सब सेट हो जाए फिर राइट कॉर्नर पे एज यूजुअल अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने से पहले ओपेसिटी 100 करना ना भूलें, ये गलती मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। फिर ऊपर इरेजर के बाजू में कॉपी का ऑप्शन है, तो हम बार बार स्टिकर या ऐड फोटो करके हम माला वापस और फिर इतनी ज़्यादा मेहनत ना करते हुए माला हम कॉपी कर लेंगे, और फिर हाथों के लिए हम एडिट कर लेंगे जो हमें तीन बार कॉपी करनी है। एक बार और कॉपी करूँगी रिस्ट के लिए, और एक बार और कॉपी करूँगी दूसरे हाथ के लिए। ओपेसिटी कम करके त्रिशूल वाला पार्ट इरेज कर दूंगी। कपड़ों के लिए मैंने स्टिकर में एनिमल प्रिंट वाला बहुत ढूंढा पर नहीं मिला, इसलिए मैं ऐड फोटो करके जो रेफरेंस के लिए फ़ोटो लिया था उसी में से मैं कपड़े चुरा लूंगी। ये जो है वस्त्र बाघ छाल का, वो हम ले लेंगे, और बाकी का अननेसेसरी पार्ट हम डिलीट कर देंगे। अच्छे से अपनी जगह सेट कर देंगे, और जो बार बार कही गई बात है वो मैं वापस दोहराऊंगी, अप्लाई कर दीजिए। ऐड फोटो करके हम अब ऐड करेंगे त्रिनेत्र। श्री थोड़ा चिल्ला रही है पर आप उसे इग्नोर करिए और अननेसेसरी पार्ट डिलीट करिए। सेट करेंगे और फिर हम जाएंगे ब्लेंड पर, और फिर हम राइट स्वाइप करेंगे तो फिर वहाँ हार्ड लाइट आएगी, वो हम सिलेक्ट करेंगे। सेट करेंगे और फिर इरेज पे जाके थोड़ा सा सही कर लेंगे। एक बार सही सेट हो जाए तो फिर ओपेसिटी अपने हिसाब से करके फिर अप्लाई कर दीजिए। अब हम जाएंगे स्टिकर में, और फिर हम रेड बिंदी के लिए कुछ सर्च करेंगे, क्योंकि बिंदी तो इसमें होगी नहीं। ये तीन बिंदी आ गई रेड ट्रैफिक लाइट जैसा, तो फिर हम दो डिलीट कर देंगे और फिर एक हमें चाहिए वो हमें सेट कर लेंगे अपनी जगह पे। ऐड फ़ोटो में जाके अब मैं बैकग्राउंड के लिए जो फ़ोटो ली थी वही फ़ोटो मैं वापस ले लूँगी। ये आदि योगी की फ़ोटो है जो मेरी रिसेंट फेवरेट है, और फिर मुझे यहाँ जाने की बहुत इच्छा है इसलिए ये फ़ोटो। आप अपने हिसाब से कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं और फिर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और फिर कैसे ऐड करना है वो तो अब आप जान ही गए हैं। सेम वे मैं इसमें हर हर महादेव भी ऐड कर रही हूँ, तो जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ था हर हर महादेव, आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद वो हो वो डाउनलोड कर लीजिए। अननेसेसरी वाइट पार्ट डिलीट करने के बाद हम जाएंगे एफएक्स पे, जिसमें लास्ट ऑप्शन होगा कलर्स, उसमें से हम नेगेटिव चूज़ करेंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है। तो फिर आप इसमें से ऑप्शन देख सकते हैं जो आपके बैकग्राउंड के साथ सूट करे वो आप अप्लाई कर दीजिए।
हर बार इरिटेटिंग वाइट पार्ट आ रहा था बैकग्राउंड के लिए, और इस बार इतना कम था कि ये ब्लैक पार्ट आ गया है, तो इसे भी अब हम डिलीट करेंगे क्योंकि डिलीट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये मैंने फटाफट डिलीट कर दिया है, तो अब मैं अपने हिसाब से साइज़ सेट करूँगी और फिर अप्लाई कर दूँगी। अब हमारा लास्ट पार्ट है, अब हम जाएंगे स्टिकर पे और हम डाउनलोड करेंगे हाफ मून, और मैं चुनती हूँ ये हाफ मून जो हमें इरिटेट करने के लिए ब्लैक पार्ट के साथ आएगा, पर हम इसे इरेज कर देंगे, अपनी जगह पे सेट करेंगे और फिर हम आखिरी बार अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम गरीबों के लिए ये ऐड आ जाएगी, पर हम इसे इग्नोर करेंगे और फिर सेव करेंगे एंड फिर डाउनलोड फोटो एंड यू आर डन।